सब्सक्राइब कीजिए अधिराज ऑनलाइन जॉइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यूपी कैटेट के जो काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आने वाला था, जो अभी तक डिजेबल था शायद, तो वो आ चुका है दोस्तों। और ये काउंसलिंग की जो सीट चॉइस प्रक्रिया है वो 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक चलेगी और दिनांक 25 सितंबर और 26 सितंबर को शाम को 5 बजे तक जो भी आपने चॉइस फिल किया है उसे लॉक किया है तो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे चॉइस फिलिंग होगी इसकी। सबसे पहले क्लिक हियर फॉर चॉइस फिलिंग पर क्लिक करिए, आप अपना प्रोग्राम लॉगिन कर लीजिए, यूजी है तो यूजी जैसा कि आप का होगा। और आप पासवर्ड डाल लीजिएगा जो भी आपका पासवर्ड आपने बनाया होगा। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका ये विंडो खुल जाएगा और आप यहाँ देख सकेंगे कि ऑप्शन ये रहा, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग फॉर काउंसलिंग। आप इस पर क्लिक करिए। जो विंडोज़ बंद थी, जो यहाँ पे लिख के आ रहा था कि अभी 2-3 दिन नेक्स्ट में खुलेगा, वो खुल चुका है। और यदि आप फ्री सीट के अलावा पेड सीट के लेने इच्छुक हैं तो फिर भी पहले आप फ्री सीट ही चुनेंगे, उसके बाद आप पेड सीट चुनेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ एज अ डेमो, मैं अभी फाइनल सबमिट नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे फॉर्म कैसे चॉइस फिलिंग भरते हैं। तो सबसे पहले मुझे कोर्स चूज़ करना है BBSC का, तो BBSC के लिए सबसे पहले मैं देखूँगा कानपुर, कानपुर में BBSC है जैसा कि नहीं है, तो सेकंड आचार्य नरेंद्र देव में है। तो मैं देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्री और एक नॉर्मल सीट और एक पेड सीट और सेल्फ फाइनेंस, तो पहले आप फ्री वाला चूज़ करेंगे फिर दूसरे में भरते हैं। दूसरे में आपका नहीं है, इसमें सीएस में भी नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें भी नहीं है, और बांदा में भी नहीं है, आचार्य नरेंद्र देव में भी BBSC है और सेकंड पेड चूज़ कर लेते हैं हम लोग इसे। और मान लीजिए मुझे एग्रीकल्चर के लिए भी अप्लाई करना है तो मैं इसके बाद एग्रीकल्चर का भी दे सकता हूँ। तो सबसे पहले आप जो भी भरेंगे फ्री सीट भरेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आप पेड सीट लगाएंगे। और 4 चॉइस आप भर सकते हैं ऐसे, और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ही भर सकते हैं। अगर आपको 4 चॉइस से ज़्यादा अगर भरने हैं तो आप ऐड चॉइस पर क्लिक करते जाइएगा और ये बढ़ता जाएगा। फिर इसी तरह आपको जिसमें सबसे पहले एडमिशन लेना है तो आप उसको सबसे ऊपर प्रेफरेंस दीजिएगा, उसके बाद इंक्रीजिंग से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आइएगा। और सबसे पहले आप किसी भी कोर्स का, किसी भी कॉलेज का अगर आप चूज़ करते हैं उसके कोर्स का, तो आप फ्री सीट पहले चूज़ करेंगे, उसके बाद ही आप पेड सीट के लिए अप्लाई करिएगा, ठीक है। सारा करने के बाद आप यहाँ पर आपको एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आप चॉइस को लॉक कर दीजिएगा, लॉक करने के बाद आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लॉक करना है, आपको चॉइस फिलिंग करना है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप 1 से 2 से 10 से 5 से 15 जितने भी आपको भरने की इच्छा हो तो आप भर सकते हो चॉइस, लेकिन मैं प्रेफरेंस यही दूंगा कि आप वही कॉलेज वही ब्रांच भरिएगा जिसमें आप लेने के इच्छुक होंगे, ठीक है गाइस। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, मैं फिर बताऊँगा आपको, और आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिराज ऑनलाइन जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए,